देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। बुलेट की रफ्तार से आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर हैं और करीमनगर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। तो राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अब आपको तेलंगाना के बाद लिए चलते हैं हैदराबाद में। तेलंगाना के हैदराबाद में जहां पर चाय पर चर्चा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शिरकत कर रहे हैं, गंग पहाड़ में इस वक्त उनका संबोधन चल रहा है। देश के अंदर नक्सलवाद पनप रहा था, आए दिन भ्रष्टाचार की कहानियां हो रही थी और भ्रष्टाचार नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री जी कहते थे ये अगर इस देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अधिकार है तो मुस्लिमों का सबसे ज्यादा यहां के संसाधनों पर अधिकार है। वो तो तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाले लोग थे, आज भी वो तुष्टिकरण के आधार पर चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब से हमारे 2014 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, क्या हमने किसी के साथ तुष्टिकरण या जातिवाद की राजनीति की है? क्या आप बताइए, सभी का समान रूप से इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी के पास किसान सम्मान निधि पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? सभी के पास खाद्य सुरक्षा का लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कहीं हमने तो नहीं कहा कि इसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलना चाहिए? यह बात मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमेशा इस कांग्रेस ने तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति की। आप देख सकते हैं, हम जब हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं तो इनके नाराजी होती है। हम कहते हैं हम सबको बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का सबको। और अब आपको दिखा